स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट एंड प्रोविजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट्स, नाउ डीमेरिट्स ऑफ द एक्ट. दिस वॉज द फर्स्ट इंटरफियरेंस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द कंपनी अफेयर्स. देयर वॉज पॉसिबिलिटी ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द कंपनीज वर्किंग स्टाइल, बट सून इट्स डीमेरिट्स सरफेस्ड. गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल often disagreed. It was difficult to take any decision. The freedom of Governor General was curbed. The Supreme Court was established, but its jurisdiction was not fixed. The areas of administrative and judicial rights were not clear. The Governor General did not have sovereign right over other presidencies. सो स्टूडेंट, रेगुलेटिंग एक्ट स्थापित तो कर दिया गया, लेकिन उसकी बहुत सारी कमियां थी. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने पहली बार कंपनी के मामलों में इंटरफेयर करना शुरू किया था. यहाँ आपस में गवर्नर जनरल तथा उसकी जो काउंसिल थी, उसके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती, मतभेद होते रहते, और इसके साथ साथ गवर्नर जनरल का जो इंडिपेंडेंस थी वो बाधित हो गई. सर्वोच्च न्यायालय स्थापित तो कर दिया, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र जो थे उनको सीमित नहीं, फिक्स नहीं किया गया, और इसके कारण जो उनका न्यायिक विभाग था वो अस्पष्ट था, क्लियर नहीं था. गवर्नर जनरल और अन्य जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी उनको भी पूरे अधिकार नहीं दिए गए. आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट वर लॉन्च्ड इन इंडिया 1784. रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट को यहाँ पर लाया गया 1784 में. सो लेट्स स्टार्ट. टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया एफिशियंट एंड रिस्पॉन्सिबल, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स पास्ड द पिट्स इंडिया एक्ट इन 1784. The act which gave the British government supreme control over the company's affairs and its administration in India in 1784 is known as a Pitt's India Act. Regulating Act की कमियों को दूर करने के लिए Pitt's India Act लाया गया, जो कि 1784 में हमारे यहाँ लागू किया गया, पास किया गया. जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, उन्होंने 1784 में एक नया कानून बनाया जिसे पिट इंडिया एक्ट का नाम दिया गया, ताकि जो कंपनी के जो कार्य क्षेत्र है और जो उनका काम करने का तरीका है, उस पर पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट कर सके, ब्रिटेन की गवर्नमेंट कर सके. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट. The Act granted complete control to the British government regarding the affairs of administration of the company in India. As per the new law, a 6-member board of control was established. The board of control was to guide and control the work of the Court of Directors and the Government of India. The board of control was entrusted with the task to control the affairs of Government of India. Army and Revenue. The board was given paramount rights regarding inspections, directions, and control of Indian administration. The act restricted the company from indulging in warfare in India. The act clearly mentioned that expansion of rule was against the policy, honor, and will of this nation. But the English floated it. From 1784, the Governor General became the real ruler of India. He governed the country through army, police, government, officials and judiciary. तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसने भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल दे दिया. कंपनी के अधिकारों को उन्होंने कम कर दिया. इसमें उन्होंने 6 सदस्यों का एक काउंसिल बनाया और उन्होंने वो उस पर कंपनी के जो काम थे उन पर पूरा कंट्रोल रखते थे.
और उनका इंस्पेक्शन भी करते थे, निरीक्षण भी करते थे, उनको डायरेक्शन भी देते थे कि किस तरह से करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे। इस नियम की, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने जो कंपनी जो युद्ध की पॉलिसी अपनाती थी उसे उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया, और जो हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे उसको उन्होंने समाप्त करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान और नीति के विरुद्ध है, किसी देश पर राज करना गलत है। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। 1784 में के जो ये जो एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट, से गवर्नर जनरल जो था एक रूलर की भूमिका में आ गया था, और वह सेना हो, पुलिस हो, गवर्नमेंट के काम हो, जुडिशियरी हो, इस सब पर वो शासन चलाता था। सिविल सर्विस। लॉर्ड कॉर्नवॉलिस हु रिप्लेस्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1786 इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। हिज पीरियड वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देन द एक्सटेंशन ऑफ द कंपनीज रूल। इट ब्रॉट रिफॉर्म्स इन द सेटअप ऑफ गवर्नेंस। कॉर्नवॉलिस एफर्ट्स ब्रॉट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन जुडिशरी, पोलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन ट्रेडिंग अफेयर्स, एंड इट कर्टेल्ड द करप्शन ऑफ कंपनीज ऑफिशियल्स। लॉर्ड कॉर्नवॉलिस फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एलिनेट इंडियंस फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ रूल। द ब्रिटिश यूथ्स वर कीन टू ज्वाइन द सिविल सर्विस। टिल 1833 ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्विसेज वर मेड बाय द डायरेक्टर्स। लेटर ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम वॉज स्टार्टेड। द कंपनी वॉज अंडर प्रेशर टू टेक अप गवर्नेंस इन इट्स हैंड्स। एट द सेम टाइम इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो इंडियन कस्टम्स एंड कल्चर्स। टू ट्रेन द यंग रिक्रूट्स टू द सिविल सर्विसेज द फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन कैलकटा इन 1801। लेटर ऑन फॉर द सेम पर्पज द ईस्ट इंडिया कॉलेज वॉज सेट अप इन ब्रिटेन। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवॉलिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और उसने सिविल सर्विसेज की स्थापना यहाँ पर की। सिविल सर्विसेज के कारण जो था पुलिस और प्रशासन था, जो टैक्स वाला था, व्यापार का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। बहुत सारे कंपनी के जो वर्कर्स थे उनमें जो वो भ्रष्टाचार करते उसमें बहुत सारी कमियां आ गई, बहुत कमी आ गई उसमें। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने भारत के जो लोग थे उनको जो शासन था उससे दूर रखने की नीति अपनाई, और जो ब्रिटेन के लोग थे वो सिविल सर्विसेज की ओर बहुत आकर्षित थे। तो उसने एक प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की कि उनको जो क्वालिफाई करेगा वही उसमें कंपनी में जॉब कर सकेगा और अच्छी पोस्ट पा सकेगा। तो और जबकि वो यहाँ पर शासन करना उनका बढ़ता ही जा रहा था दायरा, वो पूरे देश पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे शासन करने के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ के रीति रिवाज, धर्म, इन सबको जानना जरूरी है, इसलिए फिर उन्होंने 1801 में फिर विलियम कॉलेज की यहाँ पर कलकत्ता में स्थापना की, और इसके माध्यम से फिर वो सिविल सर्विसेज की को के जो मेंबर्स होते थे उनको वो ट्रेनिंग देने लगे। कुछ समय के बाद, ट्रेनिंग के बाद, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। नाउ जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड लॉज विच द रूलर्स एंड द रूल्ड मस्ट ऑब्जर्व। द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस बाय एस्टैब्लिशिंग कोर्ट्स इन इंडिया। द कोर्ट्स प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट फॉर वायोलेटिंग द लॉज। इनिशियली द इंग्लिश डिड नॉट इंटरफियर विद द प्रिवेलिंग लॉज इन इंडिया एंड परमिटेड प्रैक्टिस ऑफ द एंशियंट लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, कस्टम्स, लॉ रिलेटेड टू सक्सेशन एंड मैरिज टू रन साइमल्टेनियसली। द इंग्लिश रूल वॉज अप्लाइड वेन ब्रिटिश एंड इंडियन लॉज क्लैश्ड। द रिफॉर्म्स मेड इन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन बाय लॉर्ड कॉर्नवॉलिस वर पुट टूगेदर एंड वर नोन एज कॉर्नवॉलिस कोड इन 1793। दिस वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिस्ट फोर्सेस। द बेंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793 बाउंड द कोर्ट्स टू टेक डिसीजन ऑफ द इंडियन पर्सनल एंड ओनरशिप राइट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस कन्फाइंड इन इट। द रेगुलेशन कमांडेटेड द पर्सनल एंड इनहेरिटेंस लॉस ऑफ
Hindus and Muslims and wrote them in clear terms. Thus, the justice based on written laws came into force in India. Similar regulations were adopted in other parts of British India. ब्रिटिश शासनकाल में बहुत सारे कोर्ट्स थे, उनकी स्थापना की गई, और अगर कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर फिर कठोर उसे कठोर दंड दिया जाता, उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती। शुरुआत जब हुई तो अंग्रेजों ने भारत के जो रीति रिवाज थे, कानून थे, धर्म ग्रंथ थे, उनके साथ उन्होंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन यदि कोई विवाद होता अंग्रेजों भारतीयों के बीच में, तो उसका निराकरण फिर अंग्रेजी कानून के हिसाब से होता। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में जितने सुधार किए उन्हें 1793 में कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना गया। कॉर्नवालिस संहिता का नाम उसे दिया गया। और यह जो थी वह शक्तियों के प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिस्ट फोर्सेस, मतलब शक्तियों का पृथककरण के सिद्धांत पर यह आधारित था। फिर 1793 में जब बंगाल रेगुलेशन एक्ट को लाया गया तो इसमें जो कोर्ट्स थे उसमें भारत के जो लोग थे उनके जो पर्सनल और जो मालिक मालिकाना जो ओनरशिप वाले जो अधिकार थे वो भी, उसके बारे में भी न्यायालय द्वारा फैसले होने लगे। हिंदू और मुस्लिम जो थे उनको भी इन सारी चीजों में, इन कानूनों में शामिल कर लिया गया। और इसकी वजह से लिखित कानून जो होता है, रिटन लॉ जो है, उसका चलन शुरू हो गया। ब्रिटिश थे वो भारत में अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार का वो बनाना चाहते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने बनाए।